हेलो गाइस, वेलकम टू द मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग मैक्स हेल्थ केयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, एंड पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश ऑडियो और एनी डाउट्स और डिस्कशंस, फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड वहां पे सारे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। इफ आई अपडेट बिफोर, यहाँ पे वीडियो बनाने के पहले कोई स्टॉक मिलता है तो आई अपडेट देयर। ओके, विल सी यू देयर। नाउ मंथली टाइम फ्रेम पे मैक्स हेल्थ केयर टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो यू गाइस कैन स्टॉप द वीडियो एंड जॉइन फ्रॉम देयर इफ यू वांट। ओके, जस्ट सेइंग। नाउ स्टार्टिंग इन मैक्स हेल्थ केयर ऑन अ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, गाइस यू गाइस कैन सी स्टार्टिंग इन 4 महीनों कंसोलिडेट करने के बाद ये स्टॉक कितना पावरफुली मूव कर रहा है, राइट? अब जस्ट इमेजिन इफ इट कंसोलिडेट्स हियर फॉर द सेम टाइम एंड गिव्स यू अ बेटर मोमेंटम और अ सैटिस्फाइड मोमेंटम इवन। ओके, दैट्स प्रेडिक्टेबल, राइट? अब वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम वी सॉ देयर इज अ वर्टिकल मूवमेंट। ओके, सो एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज़ वर्टिकल मूवमेंट्स आर फेक मोस्टली, राइट? बट हियर व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ओके, द स्टॉक इज नॉट शोइंग ओनली ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन 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 वार, बट देयर आर मल्टीपल कंसोलिडेशंस एंड फॉर द पास्ट यू गाइस कैन सी बियरली एनी मोमेंटम फ्रॉम द पास्ट 500 days, okay, barely 4%, 5% momentum been given by this particular stock. So, it's in a huge consolidation phase. Also, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, it is neglecting a pattern that is known as a head and shoulder pattern. So, head and shoulder pattern यहाँ बना, उसके बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ breakdown होके stock downtrend में जाना चाहिए था because it has shown a great rally on the higher side. फिर future में कुछ retracement लेके धीमे धीमे करके फिर से ऐसे ऊपर, usually stocks का ये pattern रहता है, right? Now, स्टॉक ने क्या करा, इट क्रिएटेड, ट्राई टू क्रिएट द हेड एंड शोल्डर बट कंसोलिडेटेड एट द राइट पॉइंट, ब्रेकडाउन की जगह इसने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया एंड स्टार्ट्स मूविंग ऑन द हायर साइड। पहली चीज तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसने निग्लेक्ट करा, ओके, किसको, बियरिश मोमेंटम को। नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू सी 2 patterns हियर। द फर्स्ट पैटर्न इज अ ब्रेकआउट पैटर्न नोन एज अ सिमेट्रिकल पैटर्न। So, symmetrical pattern बना, we got a breakout, we got some momentum, we captured this also. Okay, कब capture कर रहा था, 9 September के analysis में, right? ये stock नीचे आता है, took support, went up, created some price action, took higher low pattern, उसके बाद ये यहाँ पे counter trend line बनी, वहां पे भी हम लोगों ने discussion अपना करा था, उसके बाद एक और momentum मिला, so we were able to capture this momentum number one, momentum number two, and now the stock is again making some pattern, so let's discuss about that. Okay, so this pattern is known as a parallel channel type pattern, guys. Okay, ये देखो इस तरीके से ये बनता है parallel channel type pattern. Okay, so यहाँ पे आपको दिखेगा clear cut कि stock is in a uptrend. Okay, after the breakout, after the symmetrical triangle consolidation breakout, the stock is now in a uptrend. So, stock can make a higher high position. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो कि market किस तरीके से fall करी, but this stock consolidated. Okay, this stock is giving a breakout, yet बाकी निफ्टी जो है अपना धीमे धीमे, मतलब निफ्टी फॉल करा, स्लो स्टडी ऊपर आ रहा है, एंड दिस स्टॉक राइट हियर बेयरली एनी फॉल फ्रॉम द ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट वहीं पे ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट करा है, नाउ गिविंग अ ब्रेकआउट एज वेल टुडे। ओके, सो दैट वाज थिंग नंबर 2। ओके, सो लेट्स अगेन मेक पैरेलल चैनल राइट हियर, ओके, समथिंग लाइक दैट। या नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल काउंटर ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर, दैट विल बी दिस। सो काउंटर ट्रेंड लाइन पे आपको पता चल रहा है द स्टॉक कैन गिव यू अ रियली गुड मोमेंटम ऑन द हायर साइड. Stocks look great for the next how much percentage from the current market price, you guys can keep a small 5-6% stop loss and can aim for 10-12% momentum. Ab hum log chalte hain weekly time frame pe ek bar fir se in order to create the price action for the, yahan pe hum log fibonacci rakhte hain and fibonacci ek rakhte hain yahan pe kyunki ye base tha, right? So ye upside momentum fir downside momentum fir isi ke beech mein chalta raha price action, so iske beech mein hum is tarike se rakhenge. So, अब यहां पे हम क्या बना सकते हैं ऊपर के लेवल्स पे, अभी तो देखो फिलहाल तो 1 पे, ओके, दैट इज 1, तो 1 पे देखो एक बार हिट करा, दो बार हिट करा और तीसरी बार अब हिट कर दिया तो ऊपर निकलने के फुल चांसेस हैं, राइट? गुड चांसेस है, नॉट लाइक कि निकल ही जाएगा, नॉट लाइक दैट, बट गुड चांसेस आर देयर, राइट? अब यहां पे ये बना एक रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, ठीक है? तो ये आपके ऊपर के 2 टारगेट्स भी हो गए, राइट? अब इन्हीं पे मैं टारगेट्स बना देता हूँ, टारगेट नंबर 1 टारगेट नंबर 2। ओके, यहाँ पे टारगेट नोट कर लो, 543 and 500. So 500 will be our target and stop loss will be 428 from the current market price. 428 ke thoda niche. ठीक है, तो 428 के आसपास closing अगर कर देता है ये, so we'll exit there. This is our exit position. Okay, and this is our exit number 1 on a positive side, on a positive note.
this is a stop loss and this is exit number 2. Okay, if anybody is able to sit till this particular level, agar koi yahan tak baith paya to yahan exit kar dena. So ye hai analysis for Max Healthcare. ट्रेड का जो चार्ट है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, लुकिंग ग्रेट फॉर नेक्स्ट 10%. कब बताया था? 3/12 पे. तो आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए राइट टाइम पे, सो यू गाइस कैन गेट देम. 12/12 पे तो ये यहीं पे था, इस पोजीशन पे था, 447 के आसपास. उसके बाद भी इंट्राडे जंप लास्ट में 460 तक का मिला है, मतलब 13 points, मतलब 2% आपको यहाँ पे, 3% आपको यहाँ पे इंट्राडे पे भी आपको कैप्चर हो सकता था. If you watch this particular chart sheet यहाँ पे जब ये move कर रहा था. So yeah, that's it. कल मिलते हैं. Telegram पे कोई भी doubts हो तो मैं आपको pick up कर लूँगा वहाँ से doubt. And जितने लोगों के यहाँ comments पड़े हुए हैं Telegram पे, उनके सबके मैं answer अभी कर दूँगा. Thank you so much guys. कल मिलते हैं कल की video में.